स्किन की ना पांच प्रॉब्लम्स को डील करता है, मतलब पांच प्रॉब्लम्स जो भी स्किन में है उसको हील करने में हेल्प करता है ये। और इसको मैन वुमेन दोनों ही यूज कर सकते हैं। इसकी जो MRP है वो 585 रुपीज़ है, और 585 रुपीज़ में लगभग आपको ये 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है। वैसे मेरे को ये फ्री सैंपल प्रोडक्ट मिला था और उसकी वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शैली की दुनिया। आज मैं आपके सामने रिव्यू करने जा रही हूँ वोट्री की एक क्रीम है, ये 5-in-1 स्किन परफेक्टिंग क्रीम। इसको आप एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ डे क्रीम भी। अब मैं इसको आपको थोड़ा सा इसका डिस्क्रिप्शन देती हूँ, आपको किस तरीके से इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं और कैसे कैसे यूज़ करना है। ये क्रीम आप डेली लगा सकते हो और ये स्किन की ना पांच प्रॉब्लम्स को डील करता है, मतलब पांच प्रॉब्लम्स जो भी स्किन में हैं उसको हील करने में हेल्प करता है ये। और इसको मैन और वुमेन दोनों ही यूज़ कर सकते हैं। 30 ग्राम का ये प्रोडक्ट है और पैकेजिंग जो है इसकी काफ़ी अच्छी है। और बिल्कुल सबसे पहले हम इसकी पैकेजिंग को अप्रिशिएट करेंगे, बहुत ही टाइट पैकेजिंग है, मतलब कहीं से भी वो नहीं है, लीकेज होने वाली चीज़ नहीं है, ये बिल्कुल टाइट पैकेजिंग है। इसकी जो MRP है वो 585 रुपीज़ है और 585 रुपीज़ में लगभग आपको ये 30 ग्राम का प्रोडक्ट मिलता है। वैसे मेरे को ये फ्री सैंपल प्रोडक्ट मिला था और उसकी वीडियो मैं अभी बहुत जल्दी डालने वाली हूँ। इससे पहले मैंने आपको एक वीडियो डाली थी उसकी एम कैफिन की, कैपुचिनो कॉफ़ी मास्क की। अगर वो आपने अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ आप उसको देखिए, मैं आई बटन पर उसका लिंक दे दूँगी। 3 ईयर्स की इसकी शेल्फ लाइफ है, यानी कि 2021 में ये मैन्युफैक्चरिंग हुई थी और 2024 तक इसकी एक्सपायरी है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 585 रुपीज़ इसकी MRP और ये नायका पे भी अवेलेबल है। 5 स्किन प्रॉब्लम्स को ये डील करती है, जैसा कि इसका नेम सजेस्टेड है 5-in-1 स्किन परफेक्टिंग क्रीम। सबसे पहले जैसे ये स्किन डैमेज हो जाती है उसको हील करती है, उसको रिपेयर करती है, पिगमेंटेशन को हटाती है, कम करती है, फाइन लाइंस को रिड्यूस करती है, डार्क स्पॉट्स जो होते हैं उसको रिमूव करती है, और हमारी स्किन के जो टेक्सचर होते हैं उसको इम्प्रूव करती है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये एजिंग प्रोसेस जो होता है हमारा उसको स्लो करती है। ये इसलिए मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इसमें इसके जो की इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे स्पेशल इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो है लिकोरिस और विटामिन सी। लिकोरिस यानी मुलेठी। मुलेठी जैसे कि आप जानते हो कि हमारे चेहरे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है और ये स्किन को ब्राइट और लाइट करने में हेल्प करती है। ये ऐप आप इसको एज अ नाइट क्रीम भी यूज़ करते हैं कर सकते हैं और एज अ डे क्रीम भी यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं इसको दोनों ही तरीके से फ़िलहाल यूज़ कर रही हूँ क्योंकि इस पे ऐसा पर्टिकुलर कुछ लिखा हुआ नहीं है कि ये नाइट क्रीम है या डे क्रीम है। अब मैं इसका टेक्सचर आपको दिखाती हूँ, किस तरीके का इसका टेक्सचर है। देखिए, मतलब 30 ग्राम का प्रोडक्ट है और ये लगभग आपका 1 मंथ तक चल जाएगा। बहुत क्रीमी टेक्सचर है और बहुत लाइट वेट है। अभी आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा, थोड़े स्टिकी सा, लेकिन जब आप स्किन पर अप्लाई करेंगे तो ये स्किन में बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और स्किन को अच्छे से पेनिट्रेट करेगा, हाइड्रेट भी करता है ये। और इसकी फ्रेग्रेंस की अगर मैं बात करूँ, बहुत ही माइल्ड फ्रेग्रेंस है इसकी और लगभग इस तरीके का समझिए जैसे डेनिम का डियो होता है ना, डिओड्रेंट होता है, बिल्कुल सिमिलर उसकी फ्रेग्रेंस है। अब मैं इसको यूज़ किस तरीके से करती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, फेस को क्लेंस कर लेती हूँ, अच्छे से फेस वॉश कर लेती हूँ, फिर उसके बाद टोनर को यूज़ करती हूँ। और टोनर को स्प्रे करने के बाद जब वो स्किन में एब्जॉर्ब हो जाता है उसके बाद इसको अप्लाई करती हूँ, और बहुत स्मॉल अमाउंट में, लगभग मैं आपको दिखाती हूँ, इतना वन टाइम के लिए एनफ है, इतनी मॉइस्चराइजिंग है और स्वेटिंग भी नहीं होती इसे लगाने के बाद। तो ये मैं कहूँगी समर के लिए बहुत ही परफेक्ट क्रीम है। एक बार आप भी ज़रूर इसको ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक मुझे दीजिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।